पूर्णिया के थाना चौक पर दिनांक 24 अगस्त को बिहार राज्य दफादार चौकीदार प्रमंडल इकाई द्वारा पूर्णिया दफादार चौकीदार की समस्याओं को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व राज्य सचिव डॉक्टर संत सिंह, प्रमंडल उपाध्यक्ष पप्पू कुमार दास, प्रमंडलीय सचिव रामदेव पासवान ने किया। धरना को संबोधित करते हुए राज्य सचिव डॉक्टर संत सिंह ने पुलिस पदाधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस पदाधिकारियों द्वारा दफादार चौकीदारों का लगातार दोहन और शोषण किया जा रहा है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि पुलिस पदाधिकारी दफादार चौकीदारों को अपना नौकर समझते हैं और चौकीदारों से अपना व्यक्तिगत कार्य करवाते रहते हैं तथा उन लोगों को अपमानित भी किया जाता है और बेगारी नहीं करने वाले दफादार चौकीदारों का वेतन भी बंद कर दिया जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि चौकीदारों से बीट से हटकर ऐसे कार्य करवाए जाते हैं जिनके लिए सरकार उन्हें नियुक्त नहीं किया है। डॉक्टर संत सिंह का कहना था कि यूं तो प्रमंडल के सभी जिलों में उन लोगों के साथ शोषण होता रहा है, लेकिन किशनगंज जिले में चौकीदारों का शोषण चरम पर है। इस एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में मांग किया गया कि चौकीदारों को ACP, MACP का लाभ दिया जाए। साथ ही दफादार चौकीदारों से डाक ड्यूटी, बैंक ड्यूटी, कैदी एस्कॉर्ट ड्यूटी बंद कराकर बीट में ड्यूटी लगाने की मांग की गई है। आइए, हम लोगों का एक दिवसीय धरना है और ये धरना में तो हमारी कई मांगे हैं, लेकिन अभी प्रमुख है बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2019 बनने से चौकीदार की जो कठिनाई बढ़ गई है उसको लेकर के हम लोग आज धरना पर हैं। सरकार द्वारा आदेश निर्गत किया गया है कि दफादार चौकीदार से डाक ड्यूटी, बैंक ड्यूटी, कैदी स्कोर ड्यूटी नहीं ली जाएगी। शराबबंदी में ये गांव में रहेगा, अपने बीट में रहेगा और शराबियों को पकड़ाएगा। अभी हमारे 80-90% लोगों को बीट से बाहर रखा जाता है। दिन में किसी को डाक ड्यूटी दे दिया गया, जो उससे भी बचे तो बैंक ड्यूटी लगा दिया गया, कोई भी बचे तो कैदी एस्कॉर्ट रो गया, और उससे भी कुछ बचे तो जा करके पुलिस पदाधिकारियों के यहाँ में बिगाड़ी करने के लिए भेज दिया जाता है। तो हम लोग इसके लिए खिलाफ में आज धरना दे रहे हैं कि सरकार का जो सर्कुलर है उसी के अनुरूप हमसे काम लिया जाए। कानून है कि दफ्तर चौकीदार से डाक ड्यूटी, बैंक ड्यूटी, कैजीएस ड्यूटी बंद करा करके बीट में ड्यूटी लिया जाए, इनसे बेगारी नहीं कराया जाए और जो थाना में गाली गलौज होता है वो नहीं कराया जाए। ये सरकार इसके लिए स्पष्ट चिट्ठी निकाली है, उसी के लिए है कि जो सरकार की चिट्ठी है उसके पुलिस महानिरीक्षक के यहाँ धरना दे रहे हैं। यहाँ से सुनवाई नहीं होगी तो हम लोग राज्य स्तर पर भी इसको उठाएंगे और अभी तो एक दिवसीय धरना है, इसके खिलाफ प्रदर्शन भी करेंगे, अनिश्चितकालीन धरना पर भी जाएंगे यदि हमारी समस्याओं का समाधान है। पुलिस मैनुअल में स्पष्ट है कि बिना सशस्त्र बल के किसी भी अपराधी को थाना से ये न्यायालय नहीं लिया जाएगा, लेकिन ये आज है कि दू गो हथकड़ी लगा दो, दू गो चौकीदार के टेम्पू पर बैठा दो, हल्ले जाके भेज दो, ये पुलिस मैनुअल का भी खिलाफ है, इसके लिए हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं। हम लोग सभी दफादार चौकीदार पंचायत के जितने भी जो है दफादार चौकीदार हैं बैठे हैं यह मांग लेकर के कि हम लोगों को यात्रा भत्ता, ठहराव भत्ता एक नंबर में जो है नहीं दिया जा रहा है। दूसरा नंबर मांग यह है कि हम लोगों को कैदी एस्कॉर्ट ड्यूटी, बैंक ड्यूटी, रोड ड्यूटी यह हमारा नियम नहीं है करना। हम लोगों का नियम अलग से है कि बीट में अभी सबसे ज़्यादा दारू पर जो है हम लोगों को जो है यह दिए हैं सरकार की, उस पर जो है फोकस किया गया है। तो दारू पर जो फोकस किया गया सरकार को जो है हम लोगों को बीट में रहने के लिए कहा गया, लेकिन थानेदार बाय जबरन चौकीदार को बुला करके थाना में रखता है, बैंक ड्यूटी करवाता है, कैदी स्कॉट ड्यूटी करवाता है, रोड ड्यूटी करवाता है, निजी निवास पर कभी कभी बुला करके चौकीदार दफादार को जो है अपना बेगारी कराने का काम करता है। सरकार का स्पष्ट आदेश है कि चौकीदार को किसी परिस्थिति में ही थाना पर न बुलाया जाए, उसे बीट में रखकर ड्यूटी ली जाए, लेकिन उसके सरकार का जो है आदेश को यह थाना अध्यक्ष धज्जी उड़ा रहे हैं, कोई उस पर जो अनुपालन नहीं हो पा रहा है। चौकीदार को जो है अभी जो है हत्या जो हो गई खगड़िया में, आप लोग देख चुके हैं कि चौकीदार को किस तरह से जो है जो अपराधी मार दिया गया गोली, तो वो जो है फुटिया में ड्यूटी लगा दी जाती है दो चौकीदार के बिना हथियार को,
कोई बगैर हथियार का, कोई हथियार नहीं है, जबकि सरकार का आदेश है कि चौकीदार दफादार, इच्छुक चौकीदार दफादार जो लाइसेंस लेना चाहेंगे हथियार का तो लाइसेंस दिया जाए, अब तक लाइसेंस भी निर्गत नहीं किया गया है चौकीदार दफादार को, तो कैसे वो लाइसेंस लेकर रखेंगे? केवल एक लाठी लेकर के चौकीदार कितना देर टिक पाएंगे क्रिमिनल के सामने? क्रिमिनल हथियार लेके है, स्थिति तो दयनीय है, कैसे रह पाएंगे? बार बार चौकीदार हमारा जो है मराया जा रहा है, पूरे बिहार में लगभग 10 से 15 चौकीदार अपराधी जो है चौकीदार को मार दिया है, 15 से 20 चौकीदार को मार दिया है।